मानवता के आधार पर देखे जा रहे हैं और वो नहीं आएगी। जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है वहाँ पर हम प्राथमिकता देंगे, तो लाचारी के एवज में तो हम चले जाएंगे वहाँ पर। राजकर्मी का दर्जा पाने के क्रम में पोस्टिंग भी अपना ले ली है। नियोजित शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट मामला था कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए। देखिए, नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सवाल उठाना हो, तो जीवन कुमार जो हैं लगातार सवाल उठाए हैं बिहार विधान परिषद में। लेकिन क्या हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो समस्या आ रही थी नियोजित शिक्षकों के साथ, उसका क्या हुआ, या फिर राजकर्मी बनने को लेकर के जो समस्या थी वो क्या हुआ, तमाम बातचीत करेंगे। जीवन जी, मुद्दा तो उठाए, हल क्या निकला वो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग लगातार शिक्षक के मुद्दे को उठाते रहते हैं। देखिए, हल की बात है कि हाउस में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को रखा। नियोजित शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट मामला था कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए। जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 का जो एग्ज़ाम की जब बात करते हैं, तो जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं तो उनका ट्रांसफ़र, मतलब कि वो 3 जिला का ऑप्शन था, तो इतना दूर भेजने का प्रोग्राम कर दिया गया कि वहाँ पर दिक्कत हो रही थी। तो इससे एक बड़ी समस्या, कई लोग तो पोस्टिंग भी ले लिए अपना, राजकर्मी का दर्जा पाने के क्रम में पोस्टिंग भी अपना ले लिए, लेकिन परेशानी बहुत हो रही थी। आप मान के चलिए कि हमारी, मान लीजिए कि हमारी हमारे घर की महिला है और हमारा घर पटना में है, और उसको वहाँ अचानक से उसको रक्सौल पोस्टिंग कर दे, तो भाई घर चलाना है, ये बेबसी है, तो लाचारी के एवज में तो हम चले जाएंगे वहाँ पर, लेकिन दिक्कत कितनी होगी आप समझिए, बाल बच्चों का और पूरा परिवार का सिस्टम कैसे चलेगा, ये समस्या है वहाँ पर। दूसरी बात, एक और समस्या थी, 50 साल से ऊपर के हमारे 55 साल के जो टीचर हो गए उनका पोस्टिंग यदि आप यहाँ से पटना से रक्सौल कर देते तो उनको दिक्कत कितना होगा, सारा उनका बाल बच्चा बड़ा हो गया, सारा अब उनका एक एस्टैब्लिशमेंट हो गया और 60-70% पैसा इस्टैब्लिशमेंट पर खर्च होता था। इन सारी बातों को, और वहाँ जब जाएंगे तो अलग से एडिशनल पैसा खर्चा होगा इस्टैब्लिशमेंट पर, तो ये सब बातों को रखा गया और माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से सुना इस बात को और ट्रांसफर पोस्टिंग में बताया कि भाई देखिए, जो पति पत्नी का पोस्टिंग डिफरेंट जगह पे है उनको हम प्राथमिकता देंगे। दिव्यांग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है वहाँ पर हम प्राथमिकता देंगे, ये तो हाउस में कमिट कर दिए। इसके अलावा महिलाओं का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का बात है वहाँ पर हम प्राथमिकता देंगे, चूँकि इनको दिक्कत नहीं हो, महिला लोग बहुत दूर जाने में सक्षम नहीं हो पाती है, तो इन सब चीज़ों का प्राथमिकता के बारे में तय हो गया। और दूसरा बात यह है कि मानवता के आधार पर कभी भी किसी भी शिक्षक को ट्रांसफर पोस्टिंग से परेशानी नहीं हो, इसका भी हमारी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में हम इसको भी सुनिश्चित करेंगे। इस बात का भी माननीय मंत्री जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है। तो मोटा मोटी जो उनका सारा मुद्दा था, हम लोगों ने कहा कि अच्छी का स्थानांतरण कर दीजिए, आप स्वेच्छा से उनका जहां मांगे वहां कर दीजिए, सीट वैकेंसी हो तो वहां दे दीजिए, नई वैकेंसी हो तो और भी उनसे चॉइस पोस्टिंग मांग लीजिए। इन सारी बातों को माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से सुना और सब पर आश्वासन दिया कि नहीं, इन सारी बातें पॉजिटिव रूप में हम ले रहे हैं इस सदन में और हम इसको देखेंगे और निश्चित रूप से आप मानिए कि अच्छा काम होगा। अच्छा, तो जीवन जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या आप ये कह सकते हैं जो भी पति पत्नी का एक सिटी में, एक शहर में या एक जगह पर जो स्थानांतरण का बात था वो क्लियर हो चुका है, एक चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये बताइए, जो जैसे कि आपने कहा पटना के लोग रक्सौल दे दिए, और भी लोग कहते हैं भाई जो मतलब हम किशनगंज से हैं तो हमको भेज दिए रोहतास से हैं तो किशनगंज भेज दिए, नज़दीक में जो पोस्टिंग का बात है इसको लेकर क्या अब आगे क्या कुछ नहीं। देखिए, स्पष्ट मंत्री जी ने स्पष्ट बताया वहाँ पर कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सब जो दिक्कतें आ रही है दिक्कतें नहीं आएगी। इसका मतलब है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के जो चलते जो समस्याएँ आ रही है वो समस्याएँ मानवता के आधार पर देखे जा रहे हैं और वो नहीं आएगी। इसका मतलब कि इस तरह की बातें वहाँ नहीं होगी, इसमें सुधार किया जाएगा, उन्होंने स्पष्ट उसका इंडिकेशन दे दिया। बिल्कुल स्पष्ट इंडिकेशन है, बहुत सारे मामले के फैसले वहां लिए गए। फिजिकल टीचर्स को मतलब वहां पे सक्षमता परीक्षा से वंचित किया गया था, उनके बारे में पॉजिटिव उन्होंने बयान दिया कि भाई उनको हम लोग सक्षमता परीक्षा का ऑप्शन देंगे। और कंप्यूटर शिक्षा के बारे में चर्चा उठाया गया, अतिथि शिक्षा के बारे में चर्चा उठाया गया, जो लंबे समय से अनुदान बाकी था स्कूलों में कॉलेजों में, तो उस पर भी चर्चा हुई, 8-8 साल से लंबित है, तो एक मुश्त आप पैसा दीजिए वहाँ पर, आप अपना जितना भी, अब आगे क्या कीजिएगा उसकी बात बाद में होगी, लेकिन पहले वाला जो है 8-8 साल से टीचर कैसे रहेंगे भूखे भाई। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर भी हम विचार करके इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो कई मुद्दों पर वहाँ विचार विमर्श हुआ। एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में चर्चाएँ हुई वहाँ पर, उसमें भी इस समाधान की बात हुई। तो इस बार का जो सदन रहा, हमारे कई सदन जिसमें हम गए
और इस बार का सदन जिसमें हम गए, तो ये दोनों में अंतर यही दिखाई पड़ा कि इस बार सरकार बहुत पॉजिटिव थी और शिक्षकों के समस्या के साथ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रही थी कि ये समस्या आगे चल के हमारे शिक्षक को नहीं हो, कॉलेज में कोई समस्या नहीं आए, बच्चों के साथ समस्या नहीं आए। बहुत सारे मामले ऐसे थे जो बच्चों के साथ थे, उस पर भी चर्चा हुई। तो इन सारी चीज़ों को लेकर देखा गया कि टग ऑफ वार जो चल रहा था बिहार में, आपने देखा कि राजभवन और शिक्षा भवन में टग ऑफ वार चल रहा था, आजकल पेपर में नहीं छपते हैं, तो के पाठक जी के समय में छपता था, तो वो एक अंदर से इगोइस्ट टाइप का जो वातावरण खड़ा कर देते थे, तो ये वातावरण यहाँ पे नहीं है। यहाँ शिक्षक भी बहुत खुश हैं। अच्छा, टाइमिंग को लेकर जीवन जी क्या कहेंगे, 10 से 4 टाइमिंग होना चाहिए क्या? बिल्कुल, देखिए वहाँ टाइमिंग को लेकर रखा गया कि जब माननीय मुख्यमंत्री सदन के सबसे ऊंच नेता हैं और उन्होंने कह दिया कि भाई 10 से 4 हम पढ़ते थे उसी टाइमिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इन्होंने मंत्री जी ने ये देखिए मंत्री जी ने कहा था उस वक्त कि हम बहुत कम समय में इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, इसमें बाकी लोगों से हम राय ले लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस पर जो है हम ध्यान देंगे और हम टाइमिंग को लेकर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेंगे। हमें लगता है कि 1 महीना के अंदर में शिक्षकों का 90% समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। तो शिक्षकों को लेकर के क्या कुछ कहा जीवन कुमार ने, वो भी आपने सुना। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपना राय जरूर किसी को सुनूं। साथ में सोसाइटी पटना। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।